केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नगर निगम मेरठ में महिला भाजपा पार्षद से मिसबिहेव करने के बाद शुरू हुआ विवाद न सिर्फ तोल पकड़ चुका है, बल्कि इसने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार के मंत्री व MLC ने पुलिस की मौजूदगी में विपक्ष के दलित पार्षदों पर घातक प्रहार किए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पार्षदों के हाथों पीटे गए बसपा पार्षद आशीष चौधरी के घर पहुंच गए हैं। उधर भाजपा महिला पार्षद रेखा सिंह, सुनीता प्रजापति, बबीता खन्ना ने देर शाम मीडिया के समक्ष संपूर्ण घटना को स्टेट गेस्ट हाउस व रामपुर तिराहा कांड से तुलना करते हुए कहा कि विपक्षी पार्षदों ने सदन में महिला पार्षदों से जिस तरह का व्यवहार किया है, उसने समाज को लज्जित करने का काम किया है। इसका जब MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने विरोध किया तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया, जिस पर वहां हाथापाई हो गई। दरअसल आज नगर निगम बोर्ड की बजट बैठक थी। बैठक में भाजपा पार्षद रेखा सिंह ने कहा कि नगर निगम के गृह कर कर्मचारी हिंदू इलाकों में तो वसूली करते हैं, लेकिन यदि उनमें दम है तो मुस्लिम इलाकों में वसूली करके दिखाएं। इस पर वहां विवाद खड़ा हो गया। बैठक में मौजूद भाजपा MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने जब हंगामा कर रहे विपक्षी पार्षदों को समझाने का प्रयास किया तो आरोप है कि बसपा पार्षद आशीष चौधरी ने MLC पर हाथ छोड़ दिया। इसके बाद वहां जमकर मारपीट की गई। टाउन हॉल से शहर घंटाघर तक विपक्षी पार्षदों का दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो वायरल वीडियो ट्वीट किया है, पहले वह देखिए। इस बीच महापौर के कैंप कार्यालय पर राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम के साथ ही भाजपा महिला पार्षद रेखा सिंह, सुनीता प्रजापति, बबीता खन्ना ने मीडिया के समक्ष यह कहा। मैंने बताया भैया कि वो करते हैं, जब बकाया वसूली लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं गाड़ी ले जाकर बाहर, और उसको अंदर से ले, उस टाइम लेडीज होती हैं और वो कहते हैं कि हम आपके घर की कुर्की करा देंगे, और फिर उसे ग्रुप पर डालते हैं, तो इससे सब बेइज्जत होते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर वो मेरे वार्ड में आकर ऐसा करेंगे तो वो आएंगे अपनी मर्जी से, पर जाएंगे मेरी मर्जी से। ऐसी बातें क्यों करनी पड़े, मतलब कितना आहत है आप, किस तरीके से वो करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है जो इतना दर्द से तकलीफ है? नहीं तो वो जाति सूचक जो बोलेंगे ऐसे करेंगे तो उसमें कौन सी बात है। ये तो हमने, और हम लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो था ही नहीं कि हम उन्हें कोई पॉइंट कर रहे थे। वो अपने आप ही ज्यादा भड़क गए और अपने आप ही उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने मेरे को गाली गलौज तक करी। नाम बबीता खन्ना है, मैं वाड़ी किसकी पार्षद हूँ, तुलसी कॉलोनी। क्या घटना विवाद हुआ है? मारपीट हुई है, मारपीट उन्होंने अपने आप करी है, मारपीट किसी ने नहीं करी थी उनके साथ। एक व्यक्ति का सवाल सभी के साथ हो रहा था, सभी के मध्य सभी मौजूद थे वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति। उन्होंने सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम को लेके एक विवाद विवाद पैदा कराया उन्होंने। मुस्लिम समाज से थे, आशीष थे, 36 वार्ड के पार्षद हैं वो, उन्होंने विवाद पैदा करा कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये क्या होता है मुस्लिम। हम वहाँ कोई भेदभाव करने थोड़ी गए थे, उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कही थी कि जिस तरीके का व्यवहार वह हमारे वार्ड में या हमारे क्षेत्र में किसी के साथ भी करते, क्या वह मुस्लिम जोन में जाके ऐसा करते हैं,
या उनकी करने की हिम्मत है या वो करने के बाद बच के आ जाएंगे। इनका कहना सिर्फ इतना था और इतनी ही बात पे उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को मुद्दा बना था, क्योंकि वह उनकी मनोस्थिति है कि वह सिर्फ मारने के उद्देश्य से और दंगा करने के उद्देश्य से आए थे कि सदन स्थगित हो जाए, लेकिन यह उनका उद्देश्य था। जो पिटने वाले पार्षद हैं वो तो मुस्लिम नहीं है, दोनों में से कोई जिन्होंने तो वो थे तो अगेंस्ट पार्टी के ना भैया, अपोजिशन थे वो, जाहिर सी बात है उनका तो गठबंधन है ना, उनका तो गठबंधन है। फिर एक मिनट भैया, और उन्होंने मारपीट के साथ ही गंदे अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, और जैसे ही महिला बीच बचाव में आई उनके साथ ही गलत हाथ पैर लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। ये क्या था, ये गरिमा का उल्लंघन नहीं था भैया, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, उन्हीं की पार्टी ने करा। अरे मैडम कौन कौन थे उनके नाम, आसिफ कुलदीप अंसारी ये सारे थे, और पीपी चोपड़ा। एक मिनट, आसिफ अंसारी क्या वह मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है ना वो, कुलदीप सारे ही थे वहाँ पे, कुलदीप भोपला कीर्ति सारी ये मुस्लिम ही है ना, और हमने मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाया, उन लोगों ने इस चीज को मुद्दा बना दिया। अगर वो औरतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, रामपुर तिराहा कांड हुआ था, बहन जी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, वो चीज उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश करी, तो हम उसे बिल्कुल भी मान्य नहीं करेंगे। गणमान्य विधायक जी जब एंट्री ले रहे हैं और उसी समय पे वो किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या वे मान्य है, वे सुनेंगे? और फिर उनके उन्होंने बीच बचाव करा और वह मारने लगे उनको, तो कौन बर्दाश्त करेगा? हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनपे हाथ उठाया गया, वो बिल्कुल बीच बचाव कर रहे थे उनका औरतों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ, कोई देख लेगा क्या इस तरीके से? विधायक वो बाद में है, पहले वो हमारे संरक्षण है, हमारे भाई है, और वह हमारी सुरक्षा में थे, उनका दायित्व है, उनका दायित्व है हमारी रक्षा करने का। भाजपा के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन का यह कहना है। देखिए आज जो कुछ हुआ वो सुनियोजित कार्यक्रम था, आपने देखा होगा पहले दिन आप लोगों ने कवरेज भी की है, उन्होंने मीटिंग की और तरह तरह के सवाल खड़े करने की कोशिश करी। आज जो भी हुआ वो उनका वेल प्लान तरीका था जो उन्होंने किया। देखिए जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ, हम वो बात कर रही है तो बात प्रजातांत्रिक तरीके से जो बोलता है उसे बोलने दिया जाए, आप उस पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आपको जब बोलने का वक्त आए तो आप बोले, लेकिन जब हमारी महिला रेखा सिंह खड़ी हुई तो उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, वहां मारपीट शुरू कर दी। जब वहां पर जिस समय हमारे वो आए, हमारे MLC जो है धर्मेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने शांत कराने की कोशिश की, उनको धक्का दिया गया, उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, उनको धक्का दिया गया, विधायक जी को भी पीटा गया है, विधायक जी को धक्का दिया गया, जो मैं बता रहा हूँ, विधायक जी को भी धक्का दिया गया, उसको वीडियो क्लिप हमारे पास है, और उन्होंने वहां पर हमारी महिलाओं के साथ जाति सूचक शब्द कहे और उनको अश्लील हरकतें की, वो भी सब हमारे पास है, और उन्होंने एक सुनियोजित ढंग से, चूंकि आज सपा बसपा ये जितने भी हैं ये हताशा की स्थिति में है, अभी आपने देखा 3 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, क्या स्थिति उनकी बनी है, आगे भी उन्हें दिखाई दे रहा, वो जितना भी उन्होंने कार्य किया है वो हमारे मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे जो है विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, अरे और पार्षद पर तो आरोप नहीं लगाए उन्होंने, केवल दो पे ही आरोप लगाए। आप सोचिए ऐसे सम्मानित व्यक्तियों पर, वो तो बाद में आए सौमेंद्र तोमर जी, तो और वो भी बाद में आए, ये घटना तो पहले हो चुकी, उसके बाद में भी ये सब जिस प्रकार से आरोप लगाए, आज सपा गवर्नमेंट, सपा जो है वो जानबूझकर ये आरोप लगाकर भाजपा की मानसिकता को समाप्त नहीं कर सकती। जो उनकी मानसिकता है वो सबके सामने है, पहले भी चुनाव में सामने आई है, अब भी चुनाव में सामने आ जाएगी, उनको लग रहा है, तो इसीलिए वो जानबूझकर ट्वीट कर रहे हैं, जानबूझकर ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने क्यों आरोप लगाए? अरे महापौर पे लगाते, आप पार्षदों पे लगाते, उन्होंने उन पर नहीं लगाए, वो MLC और जो मंत्री है उन पर लगा रहे, वो उसका पॉलिटिकल फायदा उनको पहले से षड्यंत्र था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।